यार आज सुबह हमने बात की थी कि किस तरह कार्टून नेटवर्क धमाके करता जा रहा है, किस तरह से वो बेंटन की नई मूवीज लाते जा रहा है और कार्टून नेटवर्क किस तरह अपने आप को फिर एक बार सुधार रहा है। और कार्टून नेटवर्क के सुधार को देखकर डिज्नी इंडिया पीछे नहीं रहने वाली थी, क्योंकि गाइस फाइनली तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, क्योंकि यार वक्त है जश्न बनाने का। क्योंकि सालों के प्रेडिक्शंस के बाद, सालों के एक्सपेक्टेशंस के बाद, सालों के स्पेकुलेशंस के बाद ये सच हो गया आखिरकार। पर जितना ये अच्छा है उतना भी बुरा भी है, तो यार मैं आपको सारी की सारी डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, तो चलो वीडियो के अंदर। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट हमें मिल चुकी है। और इसी बड़ी और खतरनाक अपडेट के लिए, यानी कि ये खुशी की बात है यार, तो इस बात पर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार ये अपडेट जो है वो सुनकर आप लोग पागल हो जाओगे लिटरली। तो यार मैं ऐसे ही मार्वलिश को ऐसे ही देख रहा था, पर मुझे ये पता नहीं चला, पर बाद में दोपहर के वक्त यानी कि अभी थोड़े समय पहले मुझे पोकी एक्सट्रीम एक्स का कॉल आता है और वो मुझे एक ऐसी अपडेट बता देता है जिससे यार मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। तो यार पोकी एक्सट्रीम एक्स, तुमको एक बहुत बड़ा थैंक यू हमें ये न्यूज बताने के लिए, क्योंकि गाइज मार्वल एचक्यू का टाटा गुड बाय खत्म होने वाला है। जी हाँ, ये कंफर्म हो चुका है सालों के स्पेकुलेशन, रूमर्स और थियोरीज के बाद अब ये फाइनली ये अपडेट हमें मिल चुकी है। यानी कि इतने सालों से हम क्या कर रहे थे, हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि शायद से सुपर हंगामा इस डेट पर आएगा, उस डेट पर आएगा, ऐसी स्पेकुलेशंस की जा रही थी कि मार्वल एचक्यू रीब्रांड हो रहा है, पर डिज्नी ने अब तक ये खुद कंफर्म नहीं किया था। पर आज के दिन वो सब बदल गया, क्योंकि डिज्नी ने खुद ये बात कर दी है दोस्तों, और मार्वल एचक्यू की रीब्रांड की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। तो यार चलो मैं आपको बता देता हूं कि रीब्रांड की डेट आखिरकार क्या होने वाली है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी तरह आप लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, और एक्साइटेड होंगे ही ना, क्योंकि इतनी बड़ी अपडेट जो है, तो इस अपडेट पर अभी के अभी लाइक ठोक दो यार, ठोक दो। तो यार अब डिज्नी इंडिया ने खुद ये कंफर्म कर दिया कि सुपर हंगामा की रिलीज डेट क्या होने वाली है। तो दोस्तों मार्वल एचक्यू पर आज जब आप टीवी देख रहे थे ना, तो मार्वल एचक्यू के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने लिखा है सुपर हंगामा की रिलीज डेट जो होने वाली है 11th of December। तो काफी बड़ी अपडेट है यार, यानी कि सबसे पहले हमें लगा ये December 1 को होने वाली है, पर अब दैट्स नॉट द केस। जैसे कि तुम देख सकते हो ऑफिशियल रिलीज डेट यहाँ पर मेंशन की गई है, जो कि है 11th of December। तो यार 11th ऑफ दिसंबर का डेट मार्क कर देना कैलेंडर पे, और 11th ऑफ दिसंबर पर मार्वल एचक्यू ऑन कर देना, क्योंकि भाई मार्वल एचक्यू रीब्रांड होने वाला है एक और नए चैनल में, जिसका नाम होने वाला है सुपर हंगामा, यानी कि एक और नई शुरुआत होने वाली है दोस्तों। तो यार इसके लिए मैं काफी एक्साइटेड भी हूं, पर साथ में दुखी भी हूं, क्योंकि यार इतने सालों से मार्वल एचक्यू की आदत हो गई थी वो टेम्पलेट्स एक्सेट्रा देखने की, पर अब सब कुछ बदलने वाला है फॉर द बेटर। तो यार काफी लोगों में कंफ्यूजन है कि क्या हमको कोई नए एनिमेस देखने को मिलेंगे या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको ये बात क्लैरिफाई कर देता हूं, तो यार मार्वल एचक्यू भले ही रीब्रांड होकर सुपर हंगामा में बदलने वाला है, पर ये एक्सपेक्ट मत करना कि हमको अटैक ऑन टाइटन, नारुतो एक्सेट्रा देखने को मिले, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। जो भी हमको मार्वल एचक्यू पर देखने को मिलता है वही सेम स्केड्यूल सुपर हंगामा पर आएगा, बस उसका नाम चेंज हो जाएगा। हाँ, फ्यूचर में बेबलेड की नई सीरीज या फिर पोकेमोन के नए एपिसोड्स हमको देखने को मिल सकते हैं, बस उतना ही, उससे ज्यादा और कुछ एक्सपेक्ट मत करना दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी शोज तो वही सिमिलर होने वाले हैं। तो यार काफी अच्छी बात है यार, यानी कि फॉक्स किड्स, जेटएक्स, डिज्नी एक्सडी और अब मार्वल एचक्यू, और उसके बाद डायरेक्ट सुपर हंगामा। तो यार ये सिलसिला चलते रहेगा, आप पता नहीं सुपर हंगामा कितने सालों तक चलेगा, पर अच्छा हुआ कि डिज्नी इंडिया ने मार्वल एचक्यू का नाम चेंज कर दिया मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो मार्वल एचक्यू ऐसा लगता था कि ये सिर्फ मार्वल फैंस के लिए है, कि ये किड्स चैनल की तरह नहीं लगता था, पर अब जो ये सुपर हंगामा बदलने वाला है, तो यार काफी सारे बच्चे इस पर अट्रैक्ट होंगे, और मेरे ख्याल से इस पर हमको शिनचैन, डोरेमोन एक्सेट्रा भी देखने को मिल सकते हैं। तो यार काफी अच्छी बात है और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो ये मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बता देना, और इस गुड न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम 30,000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है। तो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमाल के अपडेट्स के लिए तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम, खुद का ख्याल रखे ऐसे बुरे वक्त में, कीप वॉचिंग, सेंड ड्रैगो एक्स योर ट्राइबल चीफ। एंड आई गॉट दिस सोल।